हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हम UGC नेट पेपर उनका प्रिपरेशन करते हैं। आप एनरोल्ड हो बैच में तो आपको मालूम ही है, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नंबर 9 है हमारा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है स्वयं। तो स्वयं जो है वो आज हमारा टॉपिक है, और इसी को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है और ये इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। और देखिए, इसका ही यहाँ पे एक छोटा सा पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें शिक्षित भारत उन्नत भारत करके इसका टैगलाइन जो है लिखा हुआ है, और ये फ्री ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये प्रोवाइड करवाता है। तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जून 2024 पे हम JRF को टारगेट कर रहे हैं, और नेट तो जो एलिजिबल नहीं है JRF के लिए वो नेट को टारगेट करें, लेकिन जो एलिजिबल है मैं चाहता हूँ कि वो JRF ही क्लियर करें। तो आगे बढ़ते हैं, और ये है मेरे कुछ जो भी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे बारे में जानने के लिए तो एक बार इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारा बैच जो हमारा एकलव्य बैच है। देखिए, 5-स्टार बैच है, और बेहतर ढंग से एकदम डिटेल में और इन डेप्थ हम जाके पढ़ रहे हैं। इंग्लिश हिंदी यानी बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेजेस में हम पढ़ते हैं। आपको अगर इंग्लिश में लिखा हुआ मिलता है तो मैं समझाता हूँ तो हिंदी में समझाता हूँ, और कंटेंट जो है ट्रांसलेटेड हिंदी में है ही। देखिए, बैच का जो प्राइस है वो आप जानती हो कि 1499, और डिस्काउंट भी आपको मिल गया होगा अगर आपने ये कोड मेंशन किया हो। हाँ, मैं आपको बता दूं, अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करिए। देखिए, आपके रिकमेंडेशन से ही जो है ये कोर्स और बड़ा बनेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और देखिए, स्ट्रक्चर्ड यूनिट वाइज क्लासेज हम यहाँ पर चलाते हैं, डिटेल टॉपिक का कवरेज होता है। देखिए, JRF क्वालिफाइड फैकल्टी है, और क्लासेज जो है ना वो बायलिंगुअली चलती ही हैं। कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो इस नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं, और ज्ञानस्थली को टेलीग्राम पे जो है आप फॉलो करिए, और वहाँ से आपको जो है सारा डिटेल मिल जाएगा। जो भी चीज़ जिस भी चीज़ में डिटेल आपको चाहिए, अगर मुझसे भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वहीं ज्ञानस्थली क्लासेस पे जो है एक बार जो है मेरे नाम से मैसेज छोड़ दीजिए, और मैं जो है आपको या तो DM में डायरेक्ट मैसेज कर दूंगा, और या फिर वहीं पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए वही बैच का डिस्क्रिप्शन, और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स, जैसे टेलीग्राम पे आप ज्ञानस्थली को फॉलो कर लीजिए, और इसके साथ साथ व्हाट्सएप पे ये नंबर जो है इससे आप कांटेक्ट करके कोई भी आपका कंसर्न हो तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे ज्ञानस्थली को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, ये हो गया हमारा छोटा सा जो है, क्योंकि यहीं पर अपने बारे में बताने का हमें मौका मिलता है, तो एक बार बताते हैं। देखिए, क्लास नंबर 9 है, और टॉपिक है हमारा स्वयं। ठीक, तो हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे स्वयं क्या होता है। देखिए, आप जहाँ भी पेपर 1 आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पहले भी अगर आपने कभी पढ़ा हो तो देखते होंगे कि कैसे स्वयं को, स्वयं प्रभाव को, ये सारी चीज़ों को एक स्लाइड में लोग जो है ले जाते हैं। लेकिन नहीं, इसको अगर हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे और कोई अंदर से क्वेश्चन पूछ देता है तो वहीं पे जो है लर्नर्स जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि देखिए, डिटेल में हम पढ़ेंगे स्वयं को, जो है हम पूरे इन डेप्थ जानेंगे कि क्या है स्वयं, और कैसे इसका जो है ओरिजिनेशन हुआ, और क्या क्या ये करता है, फंक्शन क्या क्या है, और क्यों ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट, और एक इम्पॉर्टेंट जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि पहल साबित हुआ। तो देखिए, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जो स्वयं है ये, इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए कि इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, तो देखिए S से हो गया स्टडी, ये वेब्स ऑफ एक्टिव, ठीक है, ऑफ बन गया एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक, तो ये हो गया स्वयं। स्वयं जो है एक इनिशिएटिव है, किसके द्वारा, ये जो है भारत सरकार के द्वारा लिया गया एक पहल है, एक इनिशिएटिव है। और इससे क्या प्रोवाइड किया जाता है, क्या दिया जाता है, आपको क्या प्रदान किया जाता है, ये है एक्सेसिबल, ठीक है, जिसे आप एक्सेस कर सको, और हाई क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है, जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा है ना ये प्रदान की जाती है ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू। ठीक है, तो ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू दिया जाता है। ये एक MOOC है, MOOC जानते हो ना आप क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक, तो ये सबके लिए अवेलेबल होता है, इसलिए ये ओपन होता है, और काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सटेंसिव कवरेज है इसका, सिलेबस का जो भी करिकुलम कवर करता है, जो भी डिसिप्लिन कवर करता है, तो इसलिए ये मैसिव है, बहुत ज़्यादा बड़ा जो है इसका स्केल होता है, और ऑनलाइन होता है, तो इसलिए ये OC यानी ऑनलाइन कोर्सेज। और देखिए, इसमें जो है बेहतर से बेहतर प्रोफेसर्स, आप जितने IIT बॉम्बे से लेके और ISC बेंगलोर, IIT मद्रास से लेके IIT खड़गपुर कानपुर, आप जितने भी IITs, IIT BHU ले लो, उनके प्रोफेसर्स भी, IIT दिल्ली के प्रोफेसर भी यहाँ पे आपको कोर्सेज
में दिख जाएंगे। इसके साथ साथ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जैसे JNU हो गया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो गया, ठीक है, और इसके साथ साथ BHU हो गया, तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स भी आपको यहाँ पे कोर्सेज में दिख जाएंगे। तो ये बहुत एक बड़ा पहल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और देखिए ये जो है ना, ये एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है, और ये डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि जो है ना डाइवर्स रेंज ऑफ कोर्सेज को आप जो है हासिल कर पाओ, आप जो है डाइवर्स रेंज ऑफ कोर्सेज को एक्सेस कर पाओ कहीं से भी, ठीक है। तो ऑनलाइन है इसलिए ये एक्सेसिबिलिटी इसकी जो है ना काफ़ी बेहतर हो जाती है और आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाता है। ये किसके लिए प्रोवाइड किया गया है? देखिए इसलिए ये प्रोवाइड किया गया ना कि बहुत लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, है ना, और बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते मतलब क्या, उनके पास उतना संसाधन नहीं है, संसाधनों की कमी है, पैसे नहीं है किसी के पास, तो किसी कोई जो है शहर में आके रह नहीं सकता है, लेकिन वो अच्छे से अच्छे टीचर्स से अगर पढ़ना चाहें तो वो ये स्वयं के थ्रू पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई लोग जो है ना वो अगर देखें तो वो जियोग्राफिकली जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे जगहों पर रहते हैं ना वो जो काफ़ी ज़्यादा दूर हों, जैसे मान लो कोई नॉर्थ ईस्ट के बहुत ही इंटीरियर में रहता है, तो कोई बिल्कुल जैसे कोई आइलैंड पे रह रहा है, कोई अंडमान या फिर लक्षद्वीप में कोई रह रहा है, तो उनके लिए जो है ना ये कोर्सेज और भी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती हैं और भी ज़्यादा उनके लिए जो ना ये प्रभावी साबित होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये एक्सेस नहीं है कि वो बेहतर टीचर्स से जो है मिल पाएँ, उनसे संवाद कर पाएँ, इंटरेक्ट कर पाएँ, और इसके लिए ये कोर्सेज ही उनके पास जो है एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माध्यम, एक साधन साबित होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग डिसिप्लिन्स, जैसे मान लो कि इंजीनियरिंग से लेके मैथमेटिक्स का अगर कोई कोर्स लेना चाहो, आप जो है वो कोई कह सकते हैं कि बायोलॉजी का कोर्स पढ़ना चाहो, या फिर आप डिजिटल कोर्स कोई पढ़ना चाहो, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स पढ़ना चाहो, हर डिसिप्लिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जो कहते हैं ना कि जो पाठ्यक्रम यहाँ पे कवर किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा जो है विविध है, यानी कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, और इससे क्या होता है ना कि जो पूरी ऑफरिंग है ना ये अलग अलग लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए भी हो पाता है। अलग अलग लेवल ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि ये लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन से लेकर और हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में यानी कि हायर लर्निंग के लिए भी ये बेनिफिशियल साबित होता है। हायर लर्निंग मतलब जैसे आप यूनिवर्सिटी लर्निंग में चले जाओ, यूनिवर्सिटी में चले जाओ, तो उनके लिए भी ये कोर्सेज बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल साबित होते हैं। अगर वो कहते हैं कि भाई वो सेल्फ पेस्ड लर्निंग या फिर खुद से ही पढ़ना चाहते हैं, अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बेहतर है। अब देखिए इसके हम की कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि देखिए जो पाठ्यक्रम की पेशकश है ना, जो कोर्स ऑफरिंग है, वो एक बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होता है कि कैसे कैसे कोर्सेज आप दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ डाइवर्स सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है, मतलब विविध विषयों को कवर किया जाता है यहाँ, और विविध विषयों को कवर करने का मतलब क्या है कि देखिए स्वयं जो है ना ये जो हमने देखा स्टडी वेब्स ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, तो ये क्या कवर करता है? ये कवर करता है वाइड एरे ऑफ कोर्सेज, ठीक है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हो, ठीक, अलग अलग इनमें विषय होते हैं, और इसके साथ साथ आप देखोगे तो इन विषयों में ह्यूमैनिटीज़ होती हैं, ठीक है, यानी मानविकी, इसके साथ साथ विज्ञान, विज्ञान के साथ साथ क्या है इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के कोर्सेज भी होते हैं, और इनके अलावा बहुत अदर कोर्सेज भी होते हैं। कोई कोर्सेज शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, कोई लॉन्ग ड्यूरेशन के भी कोर्सेज होते हैं, ठीक। लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स, बहुत अलग अलग तरीके के, विविध तरीके के कोर्सेज यहाँ अवेलेबल होती हैं। तो ये जो है हमने देखा कि कैसे जो है, पहले हमने देखा इसके इंट्रोडक्शन एक कि भाई कैसे जो है इसका पूरा ओवरव्यू एक हमने लिया, और इसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से जो है विषय ये कवर करता है। इसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन, जैसा हमने बात किया ना कि हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन सबके लिए, तो देखिए कोर्सेज जो है ना वो अलग अलग लेवल्स के लिए भी यहाँ डिज़ाइन किए गए हैं, स्कूल एजुकेशन से लेके और पोस्ट ग्रेजुएट और उसके भी आगे बियॉन्ड, और पीजी के आगे क्या आता है, पीजी के आगे आप डॉक्टरेट डिग्री जो होती है ना, डॉक्टरल डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री, तो वहाँ तक भी, पीएचडी भी अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना एक बहुत ही
कहते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो जाता है। अगर हम देखें जो हमारे जो है लेवल ऑफ लर्निंग्स, अलग अलग लेवल ऑफ लर्निंग्स को ये कवरेज देता है, ठीक। तो ये शिक्षा के अलग अलग स्तर पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होता है स्वयं, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं जो दूसरा हमारा पॉइंट है, ये है कि ओपननेस एंड एक्सेसिबिलिटी। तो ये जो कोर्सेज हैं इनमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि भाई देखिए भाई ओपननेस, ठीक, ओपन फॉर ऑल है ये, और ये एक्सेसिबल है, कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो आप। तो सबसे पहले देखिए कि ये क्या है, ये फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक, और ओपन टू ऑल है, यानी कि सभी के लिए ये अवेलेबल है, ठीक। कोई भी भेदभाव नहीं है कि आप जो है एक्सेस करोगे कि नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक इंटरनेट, बेसिक इंटरनेट कनेक्शन है तो आप एक्सेस कर सकते हो स्वयं को, ठीक। तो यही कह रहा है कि जो स्वयं है ये सभी लर्नर्स के लिए फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है, और इससे क्या होता है ना कि जो शिक्षा है ना वो व्यापक दर्शकों के लिए, ब्रॉड ऑडियंस के लिए जो है ना ये सुलभ तरीके से एक्सेस हो जाते हैं, मतलब सुलभ तरीके से ये जो है आप इसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक, आसानी से आप एक्सेस कर सकते हो। अब एक और चीज़ है इसमें कि देखिए भाई ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी जो है ना ये है इसका, मतलब ऑनलाइन इसकी पहुंच है, ठीक। तो कोर्सेज जो है ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू डिलीवर किए जा रहे हैं यहाँ पे, और इससे क्या होता है ना कि ना आप प्लेस बाउंडेड हो ना टाइम बाउंडेड हो, ठीक। तो टाइम बाउंडेड भी नहीं हो यहाँ पे, प्लेस बाउंडेड भी नहीं हो, ठीक है, प्लेस बाउंडेड भी नहीं हो। और इससे क्या होता है कि जो लर्नर्स है ना वो स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाते हैं कहीं से भी, और उनके पास सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन रहे तो ना जगह का कोई वहाँ पे बाउंडेशन है और ना ही उनके जो है समय का कोई बाउंडेशन है, वो किसी भी समय किसी भी जगह से कोई भी टाइम जोन में हो वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा जो है कहते हैं कि इसका मजबूत पक्ष जो है हमारे सामने आता है। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर अगर हम पहुँचे तो देखिए इंटरैक्टिव लर्निंग रिसोर्सेज है, और इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर जो है ना आप जो है इंटरैक्शन कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं इन रिसोर्सेज से, ठीक है। तो इंटरैक्टिव होता है मतलब टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे हो। आप देखिए जहाँ भी इंटरैक्टिव देखोगे ना तो वहाँ आप समझ लो कि टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक। तो जो संचार हो रहा है ना वो दो तरीके, मतलब दोनों तरफ से हो रहा है, सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा है। अगर जो है इधर से टीचर कुछ कह रहे हैं तो स्टूडेंट भी इधर से अपना जो है कुछ फीडबैक दे सकता है। तो देखिए इंटरैक्शन, अगर स्टूडेंट है तो वो मटेरियल्स ऐसे प्रोवाइड करे गए हैं कि कुछ टेस्ट डाले गए हैं, अगर वो टेस्ट देता है तो वो भी इंटरैक्शन में गिना जाएगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे क्विज होते हैं और क्विज में स्टूडेंट जो है वो क्या होता है इंटरैक्टिव फील करता है, एंगेज्ड फील करता है। तो ये भी जो है ना इसका एक बहुत ज़्यादा मजबूत पक्ष हमारे सामने आता है। देखिए वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है, तो देखिए वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ये कोर्सेज जो है ये इनमें वीडियो लेक्चर्स होता है, ठीक। और वो कौन देते हैं भाई, छोटे मोटे यहाँ पे एजुकेटर्स नहीं होते हैं, अभी बहुत एक्सपीरियंस जो एजुकेटर्स हैं ना, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेटर्स हैं वो यहाँ पे कोर्सेज देते हैं, कोर्सेज में आते हैं। और इससे क्या होता है ना एंगेजमेंट बढ़ता है, एंगेजमेंट क्या बढ़ता है मतलब सहभागिता बढ़ता है, और जो समझ है ना जो भी लर्नर्स हैं जो भी शिक्षार्थी हैं उनकी उनका समझ भी उसमें भी विकास आता है, विकास होता है समझ का। क्योंकि देखिए जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो कहीं ना कहीं उसकी जो शिक्षण पद्धति है, जो टीचिंग मेथडोलॉजी है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि मैं किन तरीकों से पढ़ाऊँगा तो स्टूडेंट्स जो है वो कॉन्सेप्ट को तुरंत ग्रैप कर सकेंगे। और इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी अगर हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी हो, तो उसको भी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में ये फैकल्टीज़ जो हैं वो आपको बता देते हैं और आप समझ जाते हो। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं इसका पॉजिटिव पॉइंट। अब इसके बाद हम देखें तो देखिए क्विज और असाइनमेंट, तो क्विज और असाइनमेंट जो है इसमें दिया जाता है, तो क्विजेज भी होते हैं जैसा हमने बात किया, और इसके साथ साथ आपको असाइनमेंट भी दिया जाता है, जो भी आप पढ़ोगे उसके उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको जो है सबमिट करना होगा। तो इंटरैक्टिव असेसमेंट होता है, ठीक है, तो ऐसे असेसमेंट होता है जिसमें भी इंटरैक्शन होता है, ठीक। आप जो है आपके सामने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको उसका जवाब दोगे, अगर आप गलत बता रहे हो तो उसके सामने आपके
सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराएगा। तो देखिए इंटरेक्शन हो रहा है ना, जो आप जो स्टूडेंट है वो खुद इंटरेक्ट कर रहा है और उसके बाद वो समझ रहा है चीज़ों को। उसके बाद उसके सामने क्विज भी आएगा, है ना, क्विजेज भी आएंगे, ऐसे क्विज आता है। उसके बाद असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। और ये सारा किस चीज़ में होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये इंटीग्रेटेड होती हैं कोर्स के भीतर ही, ठीक। तो जो भी कोर्स है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। और इससे क्या होता है, सबसे पहले तो जो समझ है होता है ना वो उसको बढ़ावा मिलता है, मतलब कॉम्प्रिहेंड बढ़िया से कर पाएगा जो भी शिक्षार्थी है, जो भी स्टूडेंट है वो कंटेंट को कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा, समझ पाएगा बेहतर ढंग से। और देखिए रीइंफोर्स लर्निंग हो पाता है, मतलब क्या है कि भाई जो जब भी कहीं भी प्रॉब्लम आए, मान लो आपसे मैंने पूछा कि व्हाट इज़ दी कलर ऑफ स्काई एंड व्हाई, ठीक। तो उसके बाद मैं आपको चार ऑप्शन दे देता हूँ, 1, 2, 3, 4, ठीक। तो आपने बताया कि भाई देखिए कलर स्काई जो है वो ब्लू है, ब्लू, तो आपने ब्लू वाला एक ऑप्शन, मतलब मान लो दो ऑप्शन में ब्लू होगा, लेकिन एक में कुछ और रीज़न होगा, दूसरे में कुछ और रीज़न होगा। तो मान लीजिए कि आपने चुना कि भाई ब्लू होगा क्योंकि जो है कलर ऑफ स्काई इसलिए ब्लू होगा क्योंकि पानी का कलर ब्लू है, मान लो आप ऐसा आपने चुन लिया। लेकिन जो रियलिटी है वो ये होगा कि जो कलर ऑफ स्काई है वो ब्लू इसलिए होगा क्योंकि जो ब्लू लाइट है ना वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, है ना, ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है स्काई, इसीलिए ब्लू दिखता है हमें। तो ये चीज़ जो है अगर आप गलत करोगे तो फिर आपके सामने ये वाला ऑप्शन, मतलब बताएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन ये है और क्यों है, इसके बारे में भी बताएगा। तो देखिए आपने गलती किया तो उसको रीइंफोर्समेंट भी आपको वहीं सामने मिल गया, है ना। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, ये असाइनमेंट, इस टाइप के असाइनमेंट्स जो इंटरेक्टिव असाइनमेंट्स हैं और रीइंफोर्स्ड लर्निंग है, आपके कोर्स में ही डिज़ाइन होता है। और उससे क्या होता है ना कि एंगेजमेंट बढ़ता है, कहीं ना कहीं आप जो है एंगेज्ड फील करते हो और आप जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करते हो, आप बोर नहीं होते हो, और इसीलिए ये कोर्सेज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होती हैं। तो ये था, इसके बाद हम चौथे देखते हैं। तो भाई देखिए सर्टिफिकेशन एंड क्रेडिट ट्रांसफ़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए यहाँ जो भी कोर्सेज आप करते हैं ना तो आपको उसका प्रमाण मिलता है, आपको प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। और आप जो है अगर सक्सेसफुली, ठीक है, सफलतापूर्वक अगर आप जो है कंप्लीट कर लेते हो कोर्स को, समापन कर देते हो एक कोर्स का, तो उससे क्या होता है ना कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाता है, और इससे फॉर्मली रिकॉग्नाइज होगा आपका अचीवमेंट, आपने जो मेहनत किया ना, तो उसको एक एक जो है सर्टिफिकेट मिलने से क्या हो जाता है कि आपके CV में आप दिखा सकते हो, जो भी आपका करिकुलम विटाए है या फिर रिज्यूमे बोला जाता है, तो उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हो कि हाँ मैंने ये सर्टिफिकेशन कोर्स किया है। और इससे जो है जो भी एम्प्लॉयर हैं, जहाँ भी आप काम करने जाओगे, उनको भी लगेगा कि हाँ आप जो है सीखने के लिए कोर्सेज भी करते हो, आप सीखने के लिए जो है काफ़ी प्रेरित हो। दूसरा चीज़ है इसमें क्रेडिट ट्रांसफ़र। तो देखिए जो क्रेडिट ट्रांसफ़र है ना वो भी स्वयं के कुछ कोर्सेज में दिया जाता है, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे क्रेडिट ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है। इससे क्या होता है कि लर्नर्स जो हैं, जो भी शिक्षार्थी हैं, वो जो भी क्रेडिट्स ऑन करेंगे, जो भी क्रेडिट यहाँ कमाएंगे, उनका अपने फॉर्मल एजुकेशन में यूज़ कर पाएंगे, ठीक। तो देखिए आजकल एक आपने सुना होगा, देखिए आजकल जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, कि एक आया है नया सिस्टम जिसमें जैसे बोला जा रहा है ABC, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो देखिए इसमें जो भी कोर्सेज आप कर रहे हो ना, उसके सारे वो क्रेडिट के रूप में वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। एक बैंक आपका, जैसे बैंक अकाउंट में क्या होता है, आप पैसे डालते हो तो वहाँ इकट्ठा रहता है, वैसे ही आप जितने भी क्रेडिट के कोर्सेज करोगे वो यहाँ पे पूरे बैंक में, आपके एकेडमिक बैंक में इकट्ठा होगा। और फिर उन क्रेडिट का अगर आप यूज़ करना चाहो, मान लो कि एक सेम कोर्स आपने क्या किया कि आपने इंग्लिश की पढ़ाई की, लेकिन इसके साथ एक माइनर सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी आपने ले लिया, ठीक है, सोशियोलॉजी का एक माइनर सब्जेक्ट लिया, तो इसके कुछ क्रेडिट आपको मिल गए, ठीक है, मान लो आप 4 क्रेडिट मिले। और अगर आप कोई कोर्स करने जा रहे हो जहाँ सोशियोलॉजी फिर से आ गया आपके सामने, तो आप इन क्रेडिट का ट्रांसफ़र लेके और उस सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर आपको जो है वो चीज़ दोबारा नहीं पढ़ना होगा, उसके लिए अलग से एग्ज़ाम नहीं देना होगा। तो समझे आपने ये कैसे होता है। तो देखिए ABC का एक फुल फॉर्म भी आपको पता चल गया कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होता है, और देखिए क्वेश्चंस आजकल इसी टाइप के पूछ रहा है, ठीक। तो एक चीज़ तो ये हो गया कि और इसके बाद हमने देखा कि भाई इन कुछ स्वयं कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे एकेडमिक जो क्रेडिट ट्रांसफ़र है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, स्वयं पे सारे नहीं हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज में ये है।
देखिए, पांचवा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है कोलाबरेशन विद इंस्टीट्यूशन। तो जो संस्थान है ना, बहुत सारे संस्थानों के साथ जो है कोलाबरेट किया है स्वयं ने, जो है एक तरीके से कोलाबरेशन का मतलब सहयोग यहाँ पे लिख दिया, देखिए ट्रांसलेट करके, लेकिन कोलाबरेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ाव। एक तरीके से दो लोग अगर मिल के काम करें ना तो उसको कोलाबरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन और ये एक ऑर्गेनाइजेशन, और दोनों दोनों जो है ये आपस में मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो वो कोलाबरेट कर रहे हैं। तो देखिए यूनिवर्सिटी से, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिससे स्वयं ने कोलाबरेट किया है, ठीक। इससे क्या होता है, और बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं उनसे भी कोलाबरेट किया है, ताकि जो कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं ना उसकी क्रेडिबिलिटी और क्वालिटी मेंटेन रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और क्वालिटी, ठीक है। तो यानी विश्वसनीयता रहे, विश्वास लोगों को बना रहे, भाई यूनिवर्सिटीज़ अगर इसमें जुड़ी रहेंगी तो लोगों को विश्वास भी होगा, और देखिए क्वालिटी यानी गुणवत्ता भी बेहतर होगी। क्योंकि देखिए फ्री कोर्सेज हैं तो बहुत लोग सोचेंगे यार कैसे होंगे कैसे नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी के जुड़ जाने से लोगों का विश्वास भी बढ़ता है और गुणवत्ता पे भी सवाल नहीं उठता। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए इंस्ट्रक्टर एक्सपर्टीज़ है यहाँ पे, जो प्रशिक्षक हैं, जो भी यहाँ पे टीचर्स हैं, जो भी एजुकेटर्स हैं, वो यहाँ पे विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, ठीक। तो जो भी कोर्सेज हैं ना वो ऐसे लोग डेवलप किए हैं, ऐसे लोगों ने उसे बनाया है, ऐसे लोगों ने उसको विकास किया, उसको तैयार किया है, और ऐसे लोग जो है पढ़ा रहे हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके पास अनुभव है, और जो सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जो भी विषय वस्तु है ना उसके विशेषज्ञ हैं जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो मैंने बताया था ना कि कैसे यहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेसर्स जो हैं यहाँ पे क्लासेस लेते हैं। तो सोचिए कि अगर इतने अच्छे प्रोफेसर्स से आपको घर बैठे क्लासेस मिली तो कितनी अच्छी बात है। तो ये भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है स्वयं का, कोलाबरेशन विद इंस्टीट्यूशन यानी संस्थानों के साथ जो है ना आपसी सहयोग के साथ इसमें काम स्वयं करता है। अब हम देखें तो देखिए जो छठा पॉइंट है हमारा वो है एकाधिक शिक्षण पथ, यानी कि मल्टीपल लर्निंग पाथ इसमें होता है। देखिए सबसे पहले तो इसमें एक ऑप्शन है भाई कि आप सेल्फ पेस्ड लर्निंग कर सकते हैं, ठीक। सेल्फ पेस्ड लर्निंग मतलब स्वगति से सीखना, अपने पेस से आप सीख सकते हो, जब चाहें तब, जिस स्पीड से चाहो उस स्पीड से। तो यहाँ पे कोई टाइम आप बाउंडेशन आपके लिए नहीं रहेगा। जो भी लर्नर्स हैं, जो भी शिक्षार्थी हैं, उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है, ये जो है उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो कोर्सेज में अपने पेस पे, अपने स्पीड पे जो है ना, अपनी गति पे आगे बढ़ें, और अलग अलग, ठीक है, जितने भी शिक्षण शैलियाँ हैं ना, जो भी लर्निंग स्टाइल्स हैं, अलग अलग तरीके के, विभिन्न तरीके की शिक्षण शैलियों को जो है समायोजित कर पाए, अकोमोडेट कर पाए, तो ऐसा भी व्यवस्था है यहाँ पे। दूसरी चीज़ है कि भाई अगर आप सेल्फ पेस लर्निंग, देखिए सेल्फ पेस लर्निंग को हम लोगों ने क्या बोला था, देखिए इसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस लर्निंग। देखिए एक एक चीज़ आप देखा करिए कि कैसे जो है मैं चीज़ों को जोड़ता हूँ। अभी हमने एक या दो लेक्चर पहले भी हमने पढ़ा था ना सिंक्रोनस लर्निंग, एसिंक्रोनस लर्निंग। तो एसिंक्रोनस लर्निंग ये होता है कि जहाँ पर टीचर अलग टाइम पर क्लासेस रिकॉर्ड कर ले रहा है और बच्चे जो है उसको किसी और टाइम पर एक्सेस कर रहे हैं, तो ये सेम टाइम नहीं होता है, ठीक। वही अगर हम सिंक्रोनस लर्निंग के बारे में बात करें ना, देखिए सिंक्रोनस लर्निंग अगर हम बात करें तो ये जो है ना ये साइमल्टेनियसली चलता है, सेम टाइम पे चलता है, ठीक। साइमल्टेनियसली चलता है यानी कि सेम टाइम पे, कि जब भी टीचर क्लास ले रहा है तो स्टूडेंट भी एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है, यहाँ पे इंटरेक्शन बेहतर होता है ना। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा पेस जो है ना वो कम हो जाता है इसका। और एक और चीज़ है कि भाई अगर टाइम जोन वगैरह अगर डिफरेंट है तो वहाँ भी प्रॉब्लम आता है। वहीं अगर एसिंक्रोनस के बारे में बात करें तो इसके अपने पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हैं, कि भाई इसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है तो देखिए पेस इसमें काफ़ी तेज रहता है, लर्नर अपने हिसाब से इसमें जो है पढ़ सकता है, कहीं से भी पढ़ सकता है, किसी भी टाइम और किसी भी प्लेस से पढ़ सकता है, तो ये होता है। तो देखिए सेल्फ पेस लर्निंग का भी ऑप्शन यहाँ पे है, और यानी कि एसिंक्रोनस लर्निंग है ये, सेल्फ पेस लर्निंग जो है ये क्या है, ये एसिंक्रोनस लर्निंग है, ठीक। और देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और ये जो है ना लाइव सेशंस, यानी कि जो भी लाइव सत्र है उसका भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और कुछ कोर्सेज यहाँ पे होते हैं, सारे कोर्सेज हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं यहाँ पे लाइव सेशंस भी आपको दिया जाता है या फिर वेबिनार दिया जाता है, जो कि रियल टाइम इंटरेक्शन आप कर सकते हो अपने इंस्ट्रक्टर्स से, जो भी आपके वेबिनार ले रहे हैं, जो भी आपके जो ये लाइव सेशंस ले रहे हैं, उन प्रशिक्षकों से आप जो है ना रियल टाइम इंटरेक्शन करके और सबके सवाल पूछ सकते हो, उनसे जवाब पा सकते हो तुरंत, ठीक। तो ये है जो है कि लाइव सेशन का भी आप यहाँ पे प्रावधान है, और उसके साथ साथ
स्वगति से आप भी सीख सकते हो, तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग का भी प्रावधान है यहाँ पर, मल्टीपल लर्निंग पाथ आपको मिल जाता है। अब देखिए सातवा पॉइंट, तो देखिए टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन तो ये पूरे कोर्स में ही है, ठीक। तो जो भी स्वयं है ना, ये इंटरनेट पे ही चलता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और यहाँ देखिए यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। तो जो भी यहाँ पे इंटरफेस दिया गया है ना, जो इंटरफेस किसे कहते हैं आपको मालूम है? फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हो और एक एप्पल मोबाइल चलाना, तो देखिए दोनों में आपको काफ़ी डिफरेंट नज़र आएगा। एंड्रॉयड में आप यहाँ से स्वाइप करते हो ऊपर तो एक मेन्यू खुल जाता है, फिर उसमें ऐप्स आपको दिखते हैं, है ना, जबकि एप्पल जो है उसके ऊपर ही ऐप यहाँ पे लगे हुए होते हैं, ठीक। तो दोनों का क्या है, ये इंटरफेस, इसी को बोलते हैं यूजर इंटरफेस। तो देखिए किसी को एप्पल जो है इजी लगेगा, किसी को एंड्रॉयड अपने चलाने के हिसाब से, तो उसी को बोलते हैं इंटरफेस। तो वैसा ही एक इंटरफेस जो हमें फ्रंट एंड इसको बोलते हैं, अगर टेक्नोलॉजिकल टर्म में देखें तो ये फ्रंट एंड जो हमको दिखता है बाहर, अंदर तो बहुत सारे कोड होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो भाई बाइनरी में सिर्फ सीखता है, 0101 की ही लैंग्वेज वो समझता है और कोडिंग होता है, लेकिन जो भी ऊपर दिख रहा है ना वो उसको फ्रंट एंड कहता है, और वही इंटरफेस जो है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान इंटरफेस है जिसे आप आसानी से जो है ना नेविगेट कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो उसमें। तो स्वयं जो है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हमें देता है, और इससे क्या होता है नेविगेशन, जो एक चीज़ से दूसरे चीज़ पे जो भी आप स्विच करोगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है, और जो भी कोर्स में एनरोल करना है आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं, आप सीधे जाओ और कोर्स में एनरोल करके और अपने पढ़ाई को चालू कर दो, ठीक। और दूसरा चीज़ जो टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेशन से फ़ायदा है ये है कि देखिए मोबाइल संगतता है इसमें, यानी कि मोबाइल कॉम्पेटेबिलिटी है, तो जो प्लेटफॉर्म है ना वो मोबाइल डिवाइसेस के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, तो आप कहीं से भी यूज कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि लैपटॉप या टैब से ही होगा, मोबाइल से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो इससे क्या होता है ना कि जो भी शिक्षार्थी हैं, जो भी लर्नर्स हैं, वो कंटेंट को स्मार्टफोन या टैबलेट से भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, और इससे जो है ना वो कहीं से भी और किसी भी समय इस जो भी ये सिस्टम दिया गया है, ये जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, इतने बेहतर कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकली जो है काफ़ी ज़्यादा साउंड कोर्सेज हैं ये, और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन काफ़ी बेहतर हुआ है, एकीकरण काफ़ी बेहतर हुआ है इनमें। आठवें पॉइंट पे आते हैं, तो देखिए क्वालिटी एश्योरेंस, यानी गुणवत्ता आश्वासन है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स लिए जाते हैं, यानी गुणवत्ता का नियंत्रण होता है यहाँ पे। कैसे होता है भाई, यहाँ पे जो है ना लगातार, ठीक है, लगातार यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म भी दिया गया है, फीडबैक, और थर्ड पार्टी से, यहाँ पे थर्ड पार्टी से एक तरीके से आप कह लो ऑडिट टाइप का ही, तो ऑडिट तो थोड़ा सा वो क्रेडिट वगैरह में, मतलब वो अलग टर्म्स में चला जाता है, लेकिन थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे बताती है कि हाँ जो भी कोर्सेज आप बना रहे हो वो सही है कि नहीं है, वो ज़्यादा वो रेलेवेंसी उनकी कितनी है, कितना रेलेवेंट है आज के हिसाब से, और क्या क्या नए कोर्सेज ऐड करने चाहिए, व्हाट न्यू कोर्सेज शुड स्वयं ब्रिंग, और इसके साथ साथ क्या क्या जो है ट्रेंड्स हैं, उस ट्रेंड के हिसाब से जो है नए नए कोर्सेज भी लॉन्च करना। तो ये सारे देखिए क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, इससे क्या होता है ना कि प्रभावशीलता बढ़ती है, इफेक्टिवनेस बढ़ता है ये कोर्स कंटेंट का, ठीक, ज़्यादा बेहतर कोर्स कंटेंट हो पाता है, और जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है, ठीक है, वो जो निर्देशात्मक डिज़ाइन है ये भी जो है ना बेहतर बन पाता है, यानी जो भी पढ़ाने का तरीका है वो भी बेहतर बन पाता है अगर आप। और देखिए फीडबैक मैकेनिज्म जो हमने बात किया कि यहाँ पे फीडबैक तंत्र भी है, जो लर्नर्स हैं ना उनके पास अपॉर्चुनिटी होता है कि वो कोर्सेज को रेट कर सकें, तो फीडबैक के तौर पर उसको लिया जाता है, और इससे भी इम्प्रूवमेंट देखा जाता है कि भाई लर्नर्स को जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो अगर बताते हैं तो नेक्स्ट कोर्सेज में उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो ये भी जो है क्वालिटी एश्योरेंस में ये दोनों पॉइंट हमारे सामने आते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं स्वयं के। देखिए आप इसके अलावा अगर हम देखें तो नौवां और हमारा आखिरी पॉइंट जो है ये है कम्युनिटी इंगेजमेंट, ठीक, यानी सामुदायिक सहभागिता। तो देखिए सामुदायिक सहभागिता यानी कि कम्युनिटी इंगेजमेंट यहाँ पे होता है कैसे, डिस्कशन फोरम्स है यहाँ पे, और डिस्कशन फोरम जो है ना वो एम्बेडेड है, यानी कि उसको गुथा गया है, उसको इसके अंदर ही डाला गया है। तो जो भी ये LMS है ना, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो भी जो स्वयं है ये, तो ये जो है ना इनके अंदर ये डिस्कशन फोरम्स होते हैं। तो स्वयं कोर्सेज बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें आप डिस्कशन फोरम के थ्रू ना लर्नर्स जो है वो आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंस्ट्रक्टर से भी, और आपस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
और इसके अलावा कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हैं, मतलब कि क्या कर सकते हैं, सहयोगात्मक शिक्षण कर सकते हैं, अपने आपस में भी बात करके जो है ना अपने लर्निंग को और इफ़ेक्टिव और बेहतर बना सकते हैं और प्रभावशाली बना सकते हैं। और देखिए कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स जो है ना, ये जो प्लेटफॉर्म है जो स्वयं है ना, ये क्या करता है, ये एक ऐसा मंच है ना जो समान शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, कम्युनिटी के का जो सेंस है ना, सेंस ऑफ कम्युनिटी, उसको बढ़ावा देता है, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशनल गोल्स हैं, जो एजुकेशनल गोल्स हैं यहाँ पे ना, वो सेम है ना, क्योंकि जो शैक्षिक लक्ष्य है वो सेम है। और फॉर एग्जांपल देखिए, आप अगर आप भी ट्वेल्थ में हो, मैं भी ट्वेल्थ में हूँ, तो ऑफकोर्स हमको जो है ना दोस्ती करने में ज़्यादा ईजी हो जाता है, होता है ना। तो वैसे ही अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, आपने कोई क्वेश्चन पूछा और कोई आपका ही जो है एक और कहीं और किसी और पार्ट से इस दुनिया के या फिर इस देश के कोई और भी वो कोर्स कर रहा, वो आपको जवाब दिया, फिर दोनों लोग आप इंटरेक्ट किए, आप लोगों को लगा कि हाँ हमारा जो है वो इंटरेस्ट मिलता है और हम जो है आगे चल के आपस में इंटरेक्ट करके और ज़्यादा बेहतर अपने लर्निंग को कर सकते हैं, तो ये भी जो है देखिए कम्युनिटी बिल्ड होने लगता है सिमिलर एजुकेशन गोल की वजह से। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हो जाता है स्वयं का। तो देखिए हमने कैसे जो है इतने सारे कॉम्पोनेंट्स देखे स्वयं के, तो देखिए स्वयं को हमने कितने डिटेल में डिस्कस किया और जो है इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ओवरऑल अगर हम देखें तो स्वयं का क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ये सबसे पहले ये समरी के तौर पर अगर हम देखें, निष्कर्ष के तौर पर देखें, तो देखिए स्वयं जो है ना वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक व्यापक शिक्षण मंच के रूप में आपको दिया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके का, ठीक, अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं और वो क्या करते हैं आपको समझने में, चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं जो कि जिनको मालूम है कि किन तरीकों से पढ़ा के बेहतर जो है ढंग से हम शिक्षा को दे सकते हैं। तो वो जो है एक चीज़ है। और देखिए एक चीज़ आपको याद रखना होगा, एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि देखिए स्वयं जो है ना वो 9 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए और इससे जो है मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, जो लाखों बच्चे जो है ना इससे लाभान्वित होते हैं, इससे इसका फ़ायदा उठाते हैं ई लर्निंग कोर्सेज के थ्रू। ठीक, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि 9 जुलाई 2017 को ये लॉन्च हुआ था, तो अगर ये स्टैटिक पोर्शन भी अगर आपसे पूछे तो याद रखें इसको। तो देखिए ये हो गया, डाइवर्स कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक है, डाइवर्स कोर्सेज मतलब क्या है कि जो अलग अलग विविध पाठ्यक्रम यहाँ पे अवेलेबल है, इंटरैक्टिव रिसोर्सेज हैं, ऐसे भी रिसोर्सेज हैं, ऐसे भी संसाधन हैं जहाँ आप इंटरैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप जो है ना वो संवाद कर सकते हो, संवाद के जरिए सीख सकते हो, और इसके साथ साथ सर्टिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज भी है। तो ऐसा भी है कि जहाँ पे आप जो है अगर कोर्सेज लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है और इसका फॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो, आप जो है अपने CV में यूज़ कर सकते हो, आप रेज्यूमे में यूज़ कर सकते हो उसको। तो इससे भी आपको जो है ना इसकी गुणवत्ता यानी कि इसकी क्वालिटी और इसके साथ साथ क्रेडिबिलिटी पे भी कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है, गवर्नमेंट ही इसको चलाता है ना, तो एक ये भी चीज़ है। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग एजुकेशनल लेवल के जो लर्नर्स हैं, जो शिक्षार्थी हैं, और अलग अलग बैकग्राउंड के, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका जो है वो काफ़ी वीक हो, ठीक है, वो अच्छे नहीं हो, वो गरीब फैमिली से भी हो, तब भी वो इन कोर्सेज को जो है एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बस उनको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और देखिए इस प्लेटफॉर्म का कमिटमेंट क्या है, सबसे पहला कमिटमेंट तो इसका है कि भाई ओपननेस, यानी कि एक खुला मंच है। ठीक है, ओपन लर्निंग है ये, यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का बाउंडेशन नहीं है। दूसरी चीज़ की एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या है कि देखिए पहुँच है इसका, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, आप किसी भी प्लेस से एक्सेस कर सकते हो, बेहतर से बेहतर कंटेंट, क्वालिटी जो एजुकेशन जो है प्रोवाइड करता है ये, यानी कि जो भी आपके सामने अगर हम देखें तो जो बेहतर क्वालिटी की चीज़ें होंगी, बेहतर क्वालिटी के जो कोर्सेज होंगे वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और इसी से इसका सिग्निफिकेंस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो डिजिटल एजुकेशन के लैंडस्केप में काफ़ी हाई माना जा रहा है, और स्वयं जो है इसीलिए एक ऐसा इनिशिएटिव माना गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, एक ऐसा इनिशिएटिव माना गया कि जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, और इसके सक्सेस
इसके सक्सेस इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इससे जो है मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, वो लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स जिससे लाभान्वित हुए हैं वो जो है कितना सक्सेसफुल होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक, तो ये है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, हमने देखा आज, यानी स्वयं, और हमने देखा कि कैसे स्वयं के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, कैसे जो है स्वयं जो है वो इंटरैक्टिव लर्निंग के थ्रू और जो है एक्सपर्ट कोर्स डिज़ाइन जो कोर्सेज हैं उनके थ्रू, और इसके साथ साथ जो सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस लर्निंग बोथ करके ये जो प्रोवाइड कर रहा है, इससे कैसे एक बेहतर जो है क्वालिटी एजुकेशन आप जो है किसी भी रिमोट एरिया तक पहुंचा पा रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट पहुंचा पा रहा है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी स्वयं के थ्रू। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, ये हमारा बैच जो है वो आपको पसंद आ रहा हो, इसमें जो भी हम काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा हो। और देखिए, अपने फीडबैक हमें ज़रूर दिया कीजिए, टेलीग्राम पे भी आप बताया करिए, जो भी आप, अगर आप एनरोल्ड हैं तो टेलीग्राम पे थोड़ा जाके एक बार बताया करिए कि हम लोग कोर्सेज में कैसे पढ़ते हैं और कितना मज़ा आता है, कितने अच्छे से, कितने एक्सटेंसिव तरीके से, कितने डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हर एक पहलू को, हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्ञानस्थली पे आप फॉलो कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे नाम से एक मैसेज छोड़ दीजिए ज्ञानस्थली पे, और मैं आपको डायरेक्ट मैसेज करूंगा यानी डीएम कर दूंगा। और इसके साथ साथ कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो इस नंबर पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा संपर्क सूत्र है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसे, आप बताइए कि कैसे कोर्सेज हैं, टेलीग्राम पर जाकर रिव्यू दीजिए ज्ञानस्थली के चैनल पर जाकर, और वहाँ जाकर आप डिस्कशन ग्रुप में रिव्यू दीजिए इस कोर्स का, और साथ ही साथ ज्ञानस्थली को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नए अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस।